हेलो। হ্যাঁ, জয়প্রকাশ স্যার, আপনি আরম্ভ করে দিন। জয়প্রকাশ স্যার, हेलो लर्नर्स, हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नाउ गुड आफ्टरनून आई एम सर। गुड आफ्टरनून सर। गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को आदिकाल पढ़ाया था। है? ठीक है, तो अब फिर से वो तो संभव नहीं है, लेकिन ये पढ़ाते वक्त मुझे ये मानकर चलना पड़ेगा कि आप लोगों ने आदिकाल को पूरा जान लिया है। ठीक है, ओके। आज सर हम लोग आज के क्लास में हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा हेतु अध्ययन की सुविधा के लिए चार भागों में बांट लिए हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल पढ़ चुके थे हम लोग, जो कि संवत 1350 से 1375 तक था। अब संवत 1375 से लेकर 1700 तक जो है, ये आपका ये जो समय हमारे हिंदी पट्टी में हिंदी साहित्य जो है, हम लोग उसको भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। इस दौरान संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक, अर्थात कि ये 325 साल जो है ना, 325 साल हुए ना संवत 1375 से 1700 तक। इस दौरान हिंदी में जितना कुछ जो है साहित्य लिखी गई, हम लोग उसे भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस समय संवत 1375 से 1700 तक हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यानी कौन राज कर रहा था, हिंदुस्तान की जो है वो धार्मिक परिस्थिति क्या थी, है धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। इन सारी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने कहा कुछ पूछना है आप लोगों को इसके बारे में?
हेलो नहीं सर अब देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन के विकास को दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहले चरण के अंतर्गत जो है वो दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन आता है और इस आंदोलन का काल 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, और दूसरे चरण में उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन आता है। उत्तर भारत आप लोग समझ ही रहे हैं और दक्षिण भारत भी आप लोग समझ ही रहे हैं। तो दूसरे चरण में उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन आता है और इसकी समय सीमा जो है 13वीं शताब्दी के बाद से 17वीं शताब्दी तक। इसी चरण में उत्तर भारत जो है इस्लाम के संपर्क में आया। इस्लाम हिंदी साहित्य के भक्ति काल का संबंध उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन से है, उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन से है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा, अभी तक तो हमने संबत में बताया था, संबत करने का मतलब है कि हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अंग्रेजों का कैलेंडर के अनुसार जैसा अभी चल रहा 2020 ना, अंग्रेजों कैलेंडर के अनुसार 2020, लेकिन हम लोग के हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार 57 साल ज्यादा होगा, 2077 चल रहा है, 2077 57 साल आगे संबत रहता है। यानी कि अभी अगर हम संबत कहें 2077 तो उसको अगर सन में निकालना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, 57 साल घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा 57 ईयर्स। तो उसी तरीके से अगर हम लोग भक्ति काल के समय सीमा सन में माने। हाँ बोलिए बोलिए। ये सर BHDLA की वांटेड का की क्लास चल रही है सर। क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ सर जो क्लास चल रही है BHDLA 135 की चल रही है क्लास हिंदी की। आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़े मुझे साफ साफ। ये ESD3 की क्लास चल रही है। कौन सी? जिसको ESD3 की क्लास BHDLA 135 या 135? नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। मास्टर्स की से बैचलर्स की क्लास? हाँ ये सर बैचलर की डिग्री, मास्टर्स की क्लास। ये बैचलर डिग्री चल रहा है हिंदी। हेलो हिंदी का? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हिंदी। okay. बैचलर डिग्री हिंदी क्लास चल रहा है ना? आप किस कोर्स के हैं सर? मैं बैचलर का ही हूँ सर, मैं फर्स्ट ईयर। ये BAG BHDC 101 BHDC को पहले हम लोग BHDC 3 बोलते थे। BAG का ही हूँ सर मैं। BHDC 101? नो सर, BHDLA 135 136। ये वो नहीं है, ये वो क्लास है। ठीक है, ये क्लास चल रहा है BHDC 101 है ESD 3 भी इसको लोग बोलते हैं। पहले ये कोड का सर, ये कोड सिस्टम न्यू है सर, ये जो कोड बने अभी ये? नो न्यू है ये, इसमें पहले जो है 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो इसको ESD 3 बोला जाता था, मतलब उसी में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपका है ये कोर्स? नहीं सर ये मेरा नहीं, मुझे लगा गलत ज्वाइन करिए। तब आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं होगा इससे, बेकार में 2 घंटा, क्योंकि ये कोर्स है ही नहीं, तो आपको कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ओके 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 स्टूडेंट्स। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, हिंदी के जो विद्वान है हिंदी साहित्य के, इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा जो है सन 1318 से सन 1643 माना है। देखिए हमने क्या कहा है, पहले कहा संबत 1375 से लेकर 1700 तक, तो जो संबत 1375 है वही किंतु सन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सन यानी 57 साल घटा देते हैं तो 1318 आएगा, और जो हमने 1700 संबत कहा था वो जो है 57 साल अगर घटा दीजिएगा तो वो 1643 आएगा। ये कौन है प्रेजेंट कर रहा है? स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ बोलिए। आशा सिंह। आशा सिंह हेलो। हाँ सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर आशा सिंह प्रेजेंट सर।
नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये स्क्रीन पर मैंने कोई प्रेजेंट कर रहा है उसको मत कीजिए आप लोग। हेलो हाँ सर, स्क्रीन पर जो है कोई अपना वीडियो जो है आप लोग ऑफ रखिएगा। हाँ हाँ ऑफ है सर। सर BHDC 101 बिल्कुल बिल्कुल हाँ वही क्लास है सर आज। तो हम लोग आज उसी का क्लास चल रहा था। सर एक बात पूछनी सर। बोलिए। हमने सर इसमें बैचलर एडमिशन लिया। सो मार्क्स का होता है, थ्योरी का भी। सारे लोग पहले अपना ऑडियो वीडियो म्यूट कीजिए तब मैं सुन पाऊंगा, अदरवाइज आई विल बी अनेबल टू गिव एनी आंसर। सर कंटिन्यू करो सर मैं। ओके कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर ये जैसे जिन्होंने इग्नू में फ्रेशर में एडमिशन लिया है तो सर ये असाइनमेंट 100 मार्क्स की होती है, थ्योरी का पेपर भी 100 मार्क्स का होता है सर। इसके लिए ये सारे इन सारे बातों के लिए हम लोग लास्ट का 15-20 मिनट रखते हैं जिसमें इंटरैक्टिव सेशन चलेगा। तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक लोग अगर असाइनमेंट के बारे में बातचीत कीजिएगा तो पूरा का पूरा समय मेरा जो है वो इसी बोलने में ही चला जाएगा, तो फिर हम जो पढ़ाने पढ़ा रहे वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। लास्ट में करते हैं। सॉरी सर। हाँ लास्ट में ठीक है। सर थैंक यू। हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन, BHDC 101 का क्लास चल रहा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल वही चल रहा है, उसी का नाम EHD 3 है पुराना नाम। अच्छा कितना चैप्टर सर? कितना चैप्टर ये उस तरह से थोड़ी है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। अच्छा ओके सर। ओके थैंक यू सर। उसमें भक्ति काल आज पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, साहित्य जो है समाज का आईना होता है, और समाज में घट रही जो राजनीतिक हलचल, सामाजिक हलचल, आर्थिक हलचल है ना, धार्मिक हलचल जो होती है, इस सारे जो है उस युग के साहित्य में हमें दिखता है। तो इसके पहले कि हम लोग भक्ति काल को पढ़े, भक्ति काल के बारे में जाने, आइए कुछ बातें जो है इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जान ले। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये कब से कब तक का है, 1318 से लेकर 1643 ईस्वी, 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य को हम लोग भक्ति काल का साहित्य कहते हैं। तो इस काल में राजनीतिक दृष्टि से हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के जो बादशाह शाहजहां के शासन काल तक का। क्या मैंने कहा, भक्ति काल की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासन काल तक। इसलिए भक्ति काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों को समझना नितांत आवश्यक, इसको एकदम आवश्यक है कि आप उस गतिविधियों को समझे कि उस समय क्या चल रहा था राजनीतिक गतिविधि। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी अंतिम चरण में पश्चिम और उत्तर से भारत में तुर्कों का आक्रमण, तुर्क लोग जो है वो आक्रमण हुए। देखिए हिंदुस्तान पर बहुत सारे बाहर के लोग आए, बहुत जातियां आई, बहुत लोग आए, तो ये हम जब बात कर रहे हैं तुर्क लोग जो है भारत पर आक्रमण किए, और उस वक्त जो भारत की अंदरूनी हालात थे, राजपूत राजाओं की पारस्परिक जो फूट थी और शत्रुता के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों मारा गया। यानी पृथ्वी सर मैं राजनंदनी सोनकर PC 101 सर मेरे को क्वेरीज करना था, हम लोग का असाइनमेंट कब जमा होगा? ये बातें तो मैंने अभी अभी बताया ना आपको, ये इंटरैक्टिव सेशन के तहत हम बताएंगे अंत में, क्योंकि सारे लोग ऑल विल आस्क द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन एंड हाउ कैन आई गिव द आंसर एट अ टाइम, माय ऑल टाइम विल बी किल्ड बाय गिविंग द आंसर ऑल दीज थिंग्स, है ना।
तो ये असाइनमेंट कब जमा करना है ये प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी हम बताएंगे, लेकिन ये इंटरेक्टिव सेशन के अंत में एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, सभी लोग सुन लीजिए, जब भी आपको एग्जाम देना है उसके 90 दिन पहले तक आपको असाइनमेंट जमा करनी पड़ती है। अर्थात अगर मान लीजिए कि आप जून में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक आपको असाइनमेंट जमा कर देना पड़ेगा। ये इग्नू का नियम है कि 90 दिन पहले 3 महीना पहले तक हम लोग असाइनमेंट जमा कर देते हैं, ठीक है। एंड प्लीज 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 डोंट आस्क दिस सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई क्लास। ओके हेलो, आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके यस सर। ओके थैंक्स अ लॉट फॉर कोऑपरेटिंग मी बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव मोर एंड मोर एडवांटेज टू माई लर्नर्स। ओके ओके सर। ये अगर बीच में बातें कट जाती हैं तो ये साहित्य पढ़ा रहे हैं, फिर वो जो चीजें फिर कहां से छोड़े थे हम भूल जाते हैं, या कहां पर हमने छोड़ा था, किस बात पर छोड़ा था, फिर वहां से कंटिन्यू करना इट इज अ हरकुलियन टास्क फॉर मी। ओके ओके सर। ओके लर्नर नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो दिल्ली के हम लोग देख रहे सल्तनत में पृथ्वीराज चौहान की जो है वो मौत हो जा रही है और इसके पश्चात जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो तुर्क लोग आक्रमण कर रहे थे यानी कि तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा शासित राज्य को दिल्ली सल्तनत के नाम से पुकारा जाता था। और दिल्ली सल्तनत का इतिहास जो है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू हो रहा है। सन 1206 में तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बना और गोरी का एक दूसरा गुलाम जो था यल्दोज गजनी का उत्तराधिकारी बना। यल्दोज ने दिल्ली पर भी अपने अधिकार का दावा किया, तभी से दिल्ली सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया, भारत के लिए फलदायी सिद्ध हुआ। इस तरह से मध्य एशिया यानी मिडिल जो एशिया था वहां से राजनीति अलग हो गया और भारत जो है दूसरे देशों पर निर्भर हुए बिना दिल्ली सल्तनत का अपना स्वतंत्र विकास कर सका। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये राजनीतिक परिस्थितियां अभी हम लोग देख रहे हैं भक्ति काल का। तो फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का इतिहास में काफी उतार चढ़ाव रहा। 1281 में बलवन की मृत्यु के बाद फिर से अराजकता फैल गई। इस अराजकता का फायदा उठाकर जलालुद्दीन के नेतृत्व में कुछ सरदार 1290 ईस्वी में बलवन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को सिंहासन से वंचित करने में सफल हुए और यहीं से यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की शुरुआत हुई और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वो भारत में 6 वर्ष तक रहा। इस अल्प शासन काल में ही उसने बलवन के कठोर शासन में नरमी लाने का प्रयास किया। उसने राज्य का आधार प्रजा का समर्थन माना। उसकी धारणा के अनुसार चूंकि भारत की अधिकांश जनता हिंदू थी इसलिए सही अर्थ में यहाँ कोई इस्लामी राज्य नहीं हो सकता था। सहिष्णुता और सरल दंड विधान की नीति से उसने स्थानीय शासक वर्ग का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की और अगला शासक जो है उसका अलाउद्दीन खिलजी बना। उसने जलालुद्दीन की नीति को बिल्कुल बदल दिया, जिन्होंने उसका विरोध करने का साहस किया और उन्हें कठोर दंड दिया। अलाउद्दीन ने बड़े पैमाने पर अपने विरोधियों की हत्या की। उसने स्थानीय शासकों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए। इसके बाद अलाउद्दीन के मरने के बाद गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा और गयासुद्दीन ने एक नए वंश की स्थापना जिसका नाम उन्होंने रखा तुगलक वंश। अब जो है यहां से आप लोग सुन रहे हैं तुगलक वंश का शासन 1320 से लेकर 1400-1200 ईस्वी तक रहा, जो कि मैंने कहा था कि राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार जो है वो तुगलक वंश से मुगल वंश तक रहा यानी शाहजहां के शासन काल तक। अब इस वंश में तुगलक वंश में 3 जो है महत्वपूर्ण शासक हुए, एक तो गयासुद्दीन, दूसरा उसका पुत्र जो है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा जो है उसका भतीजा जो है फिरोज तुगलक। ये लोग जो है मुख्य रूप से शासन किए यहाँ पर। अब जो है विस्तार की नीति की शुरुआत से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या हुई, उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस नीति को जारी रखा
और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई। ये हम लोग देख रहे थे यहाँ की किस तरह से इस समय राजनीतिक गतिविधियां जो थी। अब उसके बाद हम लोग देखे कि बहुत सारे पड़ाव को पार करते करते जो है शेरशाह आते हैं, शेरशाह के बाद जो है हुमायूं आते हैं, है ना। 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली पर फिर से अधिकार करने में सफल हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है हुमायूं का निधन 1556 में हो गया। और 1556 में 13 वर्ष की छोटी अवस्था में अकबर को गद्दी मिली। अकबर उस समय केवल 13 साल का थे और अकबर के उस्ताद और हुमायूं के स्वामी भक्त और योग्य अधिकारी बैरम खान ने बहुत ही कठिन परिस्थिति का कुशलता से धैर्य से सामना किया और अकबर को आगे बढ़ाया। अकबर के शासनकाल में मूलतः धर्म निरपेक्ष सामाजिक विषयों में उदार और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करने वाला बन गया। और अकबर के बाद 17वीं शताब्दी का शुरुआत जो है वो प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर जो कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक तथा शाहजहां 1628 से लेकर 1658 इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा हमारा भारत। और इन शासकों ने अकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का और भी अधिक विस्तार किया और शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य के काल की भी समाप्ति हो गई। ये 3 बजे तक चलेगी। हाँ जी तक इसके बाद हिंदी साहित्य में रीति काल 3 बजे तक, ठीक है सर। और भक्ति काल के बाद ही हिंदी साहित्य में रीति काल के दौर शुरू हो रहा है, यानी अंत में शाहजहां तक जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। हमने ये इतनी सारी बातें इसलिए भी बताई या आपको ऊपर से लग रहा होगा कि ये तो इतिहास है, लेकिन किसी भी दौर का साहित्य अपने राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। आज का साहित्य अगर मान लीजिए लिखा जाएगा, केंद्र में आज जो सरकार है, राज्य में जो सरकारें हैं, राज्यों में जो सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साहित्य को प्रभावित करेगा ही करेगा, है ना। क्योंकि समाज में जो चीजें घट रही है साहित्य जो है उसी का दर्पण है। इसीलिए हमने इस दौरान 1318 से लेकर आपको 1643 तक के बीच में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी उसको बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताया। हालांकि इतने दिनों का इतिहास जानना ये चंद घंटों में और चंद मिनटों की बात नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य इतिहास को विस्तार से पढ़ाना नहीं था बल्कि आपको एक पृष्ठभूमि के तौर पर उसे बताना जरूरी था ताकि आप जो है समझ सके कि हम जिस काल के साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं उस समय हिंदुस्तान में कौन कौन से राजा आए थे, कौन कौन राज्य कर रहा था, इसकी स्थिति क्या। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब जो है हम लोग धार्मिक पृष्ठभूमि की ओर थोड़ा सा नजर डालेंगे कि धार्मिक पृष्ठभूमि हिंदुस्तान का उस दौरान 1318 से लेकर 1643 में क्या था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं का हिंदू बहुल ये राष्ट्र था, ये इस हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो तुर्कियों के आगमन और दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसके विकास स्थापना के बाद यहाँ पर विकास भी मचा और खलबली भी मची, दोनों ही साथ लेकर आया। सबसे पहले जब वो लोग आए विजय के आरंभिक चरण में, वो लोगों ने अनेक शहरों को लूटा, अनेक मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया और साम्राज्य के विस्तार के साथ यह प्रक्रिया कई चरणों में जारी रही। किंतु जैसे ही कोई प्रदेश जीत लिया गया वैसे ही वहां पर शांति और विकास की प्रक्रिया आरंभ हो गई। यानी कि जब तक वो लोग जीतते नहीं थे उस प्रदेश को, उस जगह को, उस राज्य को, तब तक जो है खलबली मचती थी। और जब वो लोग जीत कर समझ गए कि अब इस यहाँ पर मेरा हुकूमत कायम हो गया, तब वहां पर शांति और विकास वो लोग शुरू कर दिए। भारत में जमने के बाद तुर्कों ने अपने मस्जिदों का निर्माण किया, हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति जो है मुस्लिम कानून पर आधारित थी। मुस्लिम कानून अर्थात जिसको हम लोग शरीयत कहते हैं, शरीयत के तहत जो है वो लोग उन लोग ये कानून चलाता था। और अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की जो है वो इजाजत नहीं देते थे। फिर भी गांव में, मतलब जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिरों के निर्माण पर वहां कोई पाबंदी नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था। किंतु युद्ध काल में इस उदार नीति का पालन नहीं किया गया, युद्ध काल में इस नीति का पालन नहीं किया। साधारणतः इस युग में इस्लाम स्वीकार करने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा था,
धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीतिक और आर्थिक लाभ की आशा में लोग करते थे, अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अलग भी थी कि ये लोग उस समय ऐसा बन गए तो उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। कभी कभी जब कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसके साथ उसकी सारी प्रजा जो है, सारी प्रजा उसका ही अनुकरण करती थी, यानी कि उस राज्य की प्रजा भी उसी धर्म का अनुकरण करने लगती थी, उस धर्म को मान लेती। मुसलमान शासकों ने अनुभव किया कि हिंदुओं में धार्मिक विश्वास इतना दृढ़ था, इतना मजबूत था कि उसके बल द्वारा प्रयोग करके उसको नष्ट नहीं किया सकता है, क्योंकि मुसलमानों की उस समय जनसंख्या जो है काफी कम थी, हिंदुस्तान में बहुत कम था, ये इस बात का प्रमाण था। इसलिए जबरदस्ती वो लोग जो है वो बहुत नहीं ज्यादा कर सकते। हिंदू धर्म का इस्लाम से संपर्क तुर्कों के आने से बहुत पहले ही आरंभ हो चुका था। तुर्कों के भारत आगमन के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो गई। हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। वे लोग दोनों धर्मों के बीच आभासित होने वाले परस्पर विरोधी प्रकृति को रेखांकित कर रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया आरंभ हुई, और यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक रूप से अस्पष्ट दिखाई पड़ रहे। इनके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से ये जातियां एक दूसरे के करीब आने लगी, और यह प्रक्रिया हम आगे चलकर देख रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई पड़ने लगी। यह प्रक्रिया 15वीं शताब्दी से तेजी से चली और मुगल काल यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में काफी प्रबल हो। इतना होते हुए भी यह मान लेना गलत होगा कि टकराव खत्म हो गया था, बल्कि मेल मिलाप की प्रक्रिया एवं टकराव साथ साथ चलते रहे। कुछ शासकों के काल में मेल मिलाप की इस प्रक्रिया को धक्का लगता था, कुछ अन्य शासकों के काल में अधिक तेजी से इनका विकास होता था, और इसी तरह से यह टकराव और मेल मिलाप विशेष अधिकारी एवं शक्तिशाली लोगों द्वारा मानवतावादी विचारों से प्रभावित आम जनता के बीच संघर्ष का रूप था। और भक्ति का आंदोलन के जितने सभी भक्त कवि थे, ये सबसे पहले मानवतावादी थे, बाद में ये मुस्लिम थे या हिंदू थे, ये बाद में थे। हम लोगों ने देखा है कि ये वही समय था जब बहुत सारे मुस्लिम व्यक्ति भी जो है बड़े बड़े हिंदू कवि बने, है ना, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सारे एक ऐसे बड़े नाम है। इनके अलावा भी कई छोटे नाम है, लेकिन ये बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी कल्चर को, हिंदी संस्कृति को, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझा, यहाँ के पुराणों को, यहाँ के इतिहास को समझा, और हिंदी में उन्होंने लिखा। जबकि आज जो है, आज के दौर में हमें बहुत कम नजर आती है, जबकि हम लोग कहते हैं 21st सेंचुरी में रहते हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी के जो है 20 साल लगभग 2 दशक जो है पार कर चुके हैं, इसके बावजूद मुझे बड़े कवि जो है दूसरे धर्मों से आते हुए नहीं दिखाई पड़ते थे। लेकिन उस जमाने में हमें मुस्लिम लोगों में भी, मतलब जो हिंदी के बड़े कवि मिलते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आया? तो ये था तो आप लोगों का धार्मिक पृष्ठभूमि। यस सर, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं, तब तो हेलो हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, नो सर, सॉरी, बाय मिस्टेक ऑडियो ऑन हो गया था। अच्छा ठीक, कोई बात। आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, कि आर्थिक यानी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था थी। मान लीजिए अभी के जमाने की हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुछ लोग जो है गांव में लोग कुछ खेती करते हैं, कुछ लोग नौकरी चाकरी करते हैं, कुछ लोग व्यवसाय वाणिज्य करते हैं, कुछ लोग जो है फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लोग दफ्तरों में काम करते हैं, यानी ये अर्थव्यवस्था का आधार है, ये अर्थव्यवस्था केंद्र है। अब हम लोग देखेंगे कि भक्ति काल में अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के केंद्र में क्या था। सब धुरवे लोग पढ़ता है, केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी, तुर्कों के द्वारा भारत में शासन काम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात थी कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। उसके पहले हम लोग क्या देखते थे कि छोटे छोटे राजा, मान लो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था,
तो ये एक बड़ी बात हुई कि सत्ता का एक केंद्र बना। हेलो, हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो हेलो, यस सर, सुन पा रहे आप लोग मुझे? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखा कि शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व था कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तुर्कों के पतन और मुगल साम्राज्य के स्थापित होने के बीच कुछ अगर वर्षों को छोड़ दें तो पूरा का पूरा उत्तर भारत एक सेंट्रल केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का दिया, इसका लाभ मिलता है। कभी कभी तो साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत और बंगाल तक फैल गया। केंद्रीकृत और स्थिर शासन का अर्थव्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर। इसे हम उत्तर भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तुर्कों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं स्थानीय प्रशासन, जैसे हम लोग म्यूनिसिपैलिटी है, अगर कोई ग्राम एरिया में अगर ग्राम पंचायत है ना, तो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। इस तरह से शासन करने में क्या हुआ, आम लोगों को ज्यादा हम लोग सुविधा दे पाएंगे। आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए अधिकारियों की यानी ऑफिसर्स की नियुक्तियां की गई। साम्राज्य को जो है विभिन्न सूबों में बांटा गया, जैसे हम लोग विभिन्न अभी डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं, है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट को भी जो है सबर्बन इलाकों में बांट देते हैं। जैसे हमारा ये उत्तर 24 परगना जिला, ये 5 जो है सबर्बन इलाकों में बांटा गया है ना। उसी तरीके से वो विभिन्न सूबों में बांटा गया। और उस समय जो है सिक कहा जाता था सूबों को, तो सिक के नीचे क्या होता था परगना। जैसे हम लोग उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना है, ये तो पहले एक ही था, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, सोचिए कितना बड़ा होगा। लेकिन जो है वो बाद में इसको उत्तर 24 परगना दक्षिण, तो परगना का मतलब जिला एक तरह से पकड़ लीजिए। तो सिख के नीचे परगने होते थे और गांव में जो है शासन व्यवस्था चलाने के लिए खुद मुकदम पटवारी ये सब जो है भूमि के राजस्व यानी कि टैक्स वसूली की जाती थी, ताकि इस तरह से केंद्र से लेकर पूरे गांव तक जो है एक सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाई जा सके। ऐसे जो है यहाँ पर सिस्टम था, ठीक है। तो तुर्कों द्वारा स्थापित जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आगे के शासकों द्वारा भी उसमें सुधार कुछ करके जो है वो अपनाई जाने लगी। शहरी समाज और व्यापार, यानी उस समय जो लोग शहरी समाज था, जैसे दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, ये नए नए कुछ शहरों का उस समय निर्माण उदय हुआ उस जमाने में, है ना। दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, इन शहरों ये शहर उदय हुए। ये शहर आगे चलकर जो है प्रमुख जो है व्यापार का केंद्र बने, जहां से बिजनेस होता था। और शहरों के साथ साथ छोटे छोटे कस्बों का भी उदय हुआ। व्यापार के माध्यम से गांव, कस्बे और शहरों से संबंध स्थापित किया गया। इस तरह गांव का अलगाव जो है दूर हुआ, मतलब गांव जो है केवल गांव तक ही सीमित नहीं रहा, उसका लिंक जो है कस्बों और शहरों तक हो गया। तुर्कों के साथ जो है, तुर्क लोग जब आए तो नई तकनीक भी भारत में आई, चरखा आया, मुनकी आया, राट आया, कागज आया। एक मिनट, हेलो हेलो, यस सर, सुन पा रहे हैं? तो मैंने कहा yes, कि के साथ जो है नई तकनीक भारत में आई, जैसे चरखा आया, धुनकी आया, रहट आया, कागज आया, चुंबकीय कुदुक नुमा आया, समय सूचक उपकरण आया, घुड़सवार सेना आया। ये सब नई तकनीक का प्रभाव जो है उद्योग और व्यापार पर पड़ा, यानी कि जो हम लोगों का जीवन जो केवल कृषि पर आधारित था, अब वो देख रहे धीरे धीरे भक्ति काल में अब हम लोग थोड़ा सा मशीन पर निर्भर होने लगे, मशीनरी। चरखे के आने से क्या हुआ कि वस्त्र उद्योग में काफी बढ़ोतरी हुई। पहले जो कपड़े जो है हम लोग घरों में वो लोग बनाकर पहनते थे, बहुत ही उनका क्वालिटी लो क्वालिटी का था, बहुत खर्चा आता था, बहुत समय लगता था उसमें। अब चरखे के आने से वस्त्र उद्योग में काफी बढ़ोतरी हुई, कारीगर की क्षमता बढ़ जाने से वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग बन गया।
इसी काल में धुनकी भी आई, धुनकी के आई आने से क्या हुआ, रुई से बीज निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, है ना। तो इस तरह से नील, बहुत सारी ऐसी चीजें आई इस दौरान, जो है सड़कों के निर्माण का कार्य भी बड़े पैमाने पर हुआ। तुर्क शासक जो है शेरशाह, मुगल शासक, सभी ने सड़कें बनवाई, क्योंकि सड़क जो है उस जमाने में सड़क थी नहीं हमारे पास। सड़कों के किनारे जो है बहुत सारे सराय, यानी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, जो धर्मशाला टाइप का बना। इससे सीधा प्रभाव जो है व्यापार पर पड़ा, क्योंकि जब दूर दराज से लोग व्यापार करने आते थे तो उनके रहने का जगह बना। तो आर्थिक स्थिति इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डेवलप हो रही थी, है ना। तो तुर्कों से लेकर जो है मुगल काल तक उत्तर भारत में देशीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा। सूती वस्त्र का निर्यात जो है काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा। भारत में बहुत सारे ऐसे बंदरगाह थे जिसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं, POR T, पोर्ट, बंदरगाह, जहां पर पानी की जहाज जो है बड़े बड़े जहाज आकर रुकती। तो ऐसे बहुत सारे बंदरगाह थे, बंदरगाहों से क्या होता था, विभिन्न देशों में व्यापार होता था। तो भारत का जो साउथ और ईस्ट जो है और वेस्ट एशिया था, एशिया देश से कई देशों को चीनी चावल आदि जैसे खाद्य पदार्थ भेजता था, है ना। भारत जो है भेज पाता था, यहाँ पर जो ज्यादा पैदावार होता हम दूसरे देशों में बेच पाते थे। इस पूरे दौर में व्यापार और उद्योग में काफी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है व्यापारी समुदाय आर्थिक रूप से जो है काफी संपन्न हुआ। और मुगल काल में कुछ शासक लोग खुद भी व्यापार करते थे। उन लोगों ने देखा कि अरे व्यापार में बहुत लाभ है, तो खुद भी बिजनेस करते थे मुगल काल के जो कुछ शासक लोग थे। एक तरह से सामंती समाज व्यवस्था जो थी के भीतर पूंजीवाद इस जमाने से ही शुरू हो गया। पूंजीवाद मैंने जो हमारा शासन जो है सामंती और जमींदारी वाली बात थी, वो धीरे धीरे अब पूंजी पर जिसका अधिकार रहता था वही बड़ा आदमी कहलाता था। तो पूंजीवाद का भी विकास यहीं से शुरू हो गया था। इसके बावजूद भी नगरों में बड़ी संख्या में गरीब लोग मौजूद थे जिनका जीवन जो है बड़ी मुश्किल से कटता था। ये तो हमने शहरी समाज के बारे में बताया। इन ग्रामीण समाज की हालत जो है इस दौर में, गांव में किसानों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बार बार जो है उन्हें अकाल और बाढ़ जैसे चीजों का सामना करना पड़ता था। और सिंचाई के जो साधन थे, यानी कि जो उनके पास, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और गांव के लोग भी क्या हुआ कि वस्त्र उद्योग से जुड़े, है ना। फिर भी ग्रामीण जीवन में कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार तो किसानों ने विद्रोह जो है भी किया, लेकिन विद्रोहों को शासकों ने बुरी तरह से कुचल भी दिया। जमींदार और व्यापारी वर्ग की तुलना में किसानों की स्थिति जो है काफी खराब थी। तुलसीदास के साहित्य में तो ये पीड़ा हमको बार बार देखने को मिलती है। तुलसीदास के साहित्य में अकाल और भूख की पीड़ा जो है का वर्णन किया उन्होंने कि कली बारही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, है ना। खेती न किसान को भिखारी न भीख, बलि बनिक को बनिज न चकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक एकंशो कहां जाएगा। तो तुलसीदास के साहित्य में भी हम लोग देख रहे हैं कि किसानों की दुर्दशा का जिक्र भी उन्होंने किया है। जमींदारों के द्वारा भी किसानों का शोषण काफी मात्रा में होता था। उस समय कई ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, है ना। कठिन जीवन के बावजूद जो है वो खाने की और दूसरी साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने में दूसरे असमर्थ थे, दूसरे पर निर्भर रहते थे। किंतु जो भूमिहीन किसान थे, दस्तकार थे और निचली श्रेणी में काम करने वाले लोगों की दशा और भी दयनीय थी। और दरिद्रता का दुख जो है तुलसीदास की पंक्ति में भी हम देख सकते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख सक जग माही। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गांव की आर्थिक स्थिति कैसी थी, शहर की आर्थिक स्थिति कैसी थी, गांव के लोग कैसे जीते थे, शहर के लोग कैसे जीते थे। उस समय शहर में भी शहरी गरीब लोग रहते थे, है ना। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जाति व्यवस्था की स्थिति क्या है इस काल में, भक्ति काल में। तो 11वीं शताब्दी के आसपास में हिंदू धर्म को कर्म कांड के माध्यम से एक करने की कोशिश हुई। जाति व्यवस्था किंतु बनी रही। जाति और सामाजिक रीति रिवाज की दृष्टि से हिंदू स्मृतिकारों ने ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान देना शुरू किया। अभी जो है स्मृति ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि अपराधियों को दंडित करना और अच्छे को आंखों की पुतली समझना तो क्षत्रियों का धर्म है। प्रजा के रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना भी उन्हीं के कर्तव्य।
और शूद्रों का कर्तव्य जो है दूसरी जातियों की सेवा करना, ये इस जमाने में ये ऐसी प्रथा जो है प्रचलित थी। शूद्रों के साथ जो है अछूत का व्यवहार जारी रहा। मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुस्लिम समाज में भी तुर्क लोग अलग थे, ईरानी अलग थे, अफगान अलग थे, भारतीय मुसलमान अलग थे, और इन लोगों में एक दूसरे के साथ शादी ब्याह नहीं होता था, यानी कि वैवाहिक संबंध जो है ये मुसलमानों में भी कई जातियां थी। हम लोग कहते हैं कि मुसलमानों में जातियां नहीं है, तुर्की अलग थे, ईरानी अलग थे, अफगान अलग थे, भारतीय मुसलमान मुसलमान अलग थे, तो इन लोगों में वैवाहिक संबंध नहीं होता था। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाह का धार्मिक निषेध एवं एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में इस तरह से बहुत दूरियां इस जमाने में भी थी। इन प्रतिबंधों के बावजूद भी हिंदू और मुसलमानों में जो है वो सामाजिक संपर्क किंतु बना रहा, और भक्ति आंदोलन की कृष्ण मार्गी धारा में कई भक्त मुसलमान कवि हम लोग देखते हैं। जाति व्यवस्था का विरोध जो है नाथों और सिद्धों ने किया, और आगे चलकर इसी परंपरा में संत भक्त कवियों की वाणियों में हम देख सकते हैं। मैंने कबीर तो यहाँ तक भी कह देते हैं, जे तू बामन बामन ही जाया तो आन बाट तो होई काहे ना आया। अगर तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी हो, अगर तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारा जन्म भी जो है उसी तरह से क्यों होता है जिस तरह से शूद्रों का और जातियों का, अन्य जातियों का जन्म होता है। तो इस तरह से कबीर जैसे लोग समाज में जाति पाति को, व्यवस्था को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज भी हमारे समाज में जाति पाति तो वैसे ही बरकरार ही है। तुलसीदास के साहित्य में तो वर्ण व्यवस्था को लेकर काफी अंतर विरोध है। कहीं तो वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, कहीं जो है वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर लिखते हैं कि धूत कहो अधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो, को काहू की बेटी सो काहू न ब्याह, काहू की जाति बिगार न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचु रुचे सो कहे कछुआओ, मांगे के खबो मसीद को सोईबो, लेबो एकु न देवो को। यानी कि वो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी जाति पाति का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगह जो है वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन कबीर की रचनाओं में, कबीर के वाणियों में हम हर जगह जो है वो जाति और धर्म के बिल्कुल खिलाफ, वो कहीं भी इसका समर्थन करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये थी उस समय की जाति व्यवस्था। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि भक्ति काल की राजनीति की परिस्थितियों को संक्षेप में पढ़ा, आर्थिक परिस्थितियों को भी पढ़ा, सामाजिक पृष्ठभूमि को भी पढ़ा, जाति व्यवस्था किस तरह था वो भी पढ़ा, धार्मिक पृष्ठभूमि को भी पढ़ा। क्या आप लोगों को इसमें कुछ पूछना है? अब हम शुरू करेंगे असली पढ़ाई। हमने बता दिया कि इस काल में इस तरह से हम लोग हिंदुस्तान के लोगों का जीवन था। कुछ पूछना है आपको, किसी को भी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यस सर, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू, ओके, ऑडिबल, थैंक यू, ओके, थैंक यू। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया, ये बताया आप लोगों को, क्या समझ में आया? यस सर, यस सर। अब देखिए, अब मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, आखिर क्या कारण था कि आदिकाल जो हमारे यहाँ थी, आदिकाल से भक्ति काल क्यों आया? देखो, ये ऐसा नहीं कि उसके पहले लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत नहीं थे, लोगों में जो है भक्ति भावना का विस्तार नहीं था, ऐसा नहीं। तो फिर इस काल में ऐसा क्या हो गया, यानी कि संवत जो है, सन जो है 1318 से लेकर 1643 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि भक्ति, इस तमाम कवियों ने अचानक जो है भक्ति का क्या कीड़ा सूंघ लिया इन लोगों को, क्या जो सभी जो है अपने अपने रचनाओं में भक्ति का ही गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो
इस संबंध में हम लोग कुछ विचार करेंगे कि कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि जब मुसलमान आए और तुर्क जो भी हो वो लोग तुर्क भी आए, तो उनके आने से जो मंदिरों का टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक जनरल साइकोलॉजी है, एक साधारण सामान्य मनोविज्ञान है कि आदमी को अगर आप किसी कार्य के लिए रोकते हैं उसके कार्य के लिए, तो उस कार्य के प्रति उसका विशेष ध्यान जाएगा, अटेंशन जाएगा। तो कुछ विद्वान तो ये मान रहे हैं कि भक्ति काल जो है वो आने का मेन जो उत्स है, उस मतलब स्रोत, वो मुसलमानों का आगमन को मानते हैं। और कुछ विद्वान मानते हैं कि मुसलमान अगर नहीं भी आए होते तो भी भक्ति काल का 12 आना भाग वैसा ही होता। तो इस संबंध में हम लोग विभिन्न विद्वानों के मत को जानेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यापक विचार विमर्श हुआ है। इस संबंध में एक विद्वान है अंग्रेज विद्वान, जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक व्यापक और विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा था। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। यानी मैं जो मैंने बातें आपको बताई कि भावावेश की बात, भावनात्मक बातें, अच्छा हमारे धर्म के लिए रोक रहा है तो और ज्यादा मतलब लोगों का उसमें। तो यहां से हम साधना और प्रेमोल्लास के देश में आते हैं और ऐसी आत्माओं का साक्षात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पंडितों की जाति का नहीं है बल्कि जिसकी एकता मध्ययुग के यूरोपियन भक्त बर्नर्ड ऑफ क्लेरक्स, थॉमस ए कैंपिक्स और सेंट थेरेसा से, ये लिखते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन के बाद जो है हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उन्होंने भक्ति काल को विश्लेषण जो है विस्तार से किया है। और शुक्ल जी की दृष्टि में जो है उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित होने जाने के कारण मुसलमान शासक द्वारा हिंदुओं के मंदिर को गिराए, हिंदुओं का मंदिर गिराए गए और हिंदुओं के जो है पूज्य प्रतिष्ठित जो है पुरुषों का अपमान किया जाने लगा। ऐसा यह सब होने के बावजूद हिंदू जनता कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उस समय मुसलमानों का शासन था। तो शुक्ल जी के शब्दों में, ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी एक नहीं रहे। इतने बड़े राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी कि साफ देख रहे हैं कि शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के अंदर जो डर पैदा हुआ, हिंदुओं के अंदर जो एक तरह से दुख का भाव पैदा हुआ अपने आराध्य देव के जो तिरस्कार के प्रति, तो वो भी एक बड़ा कारण था कि भक्ति के क्षेत्र में जो है हम लोग अग्रणी हो गए। इसके बाद किंतु ठीक इसके उलट जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि वो कहते हैं अपने एक उनकी एक किताब है हिंदी साहित्य की भूमिका, उसमें वो कहते हैं कि उनकी उनकी बातों को मैं उन्हीं के लफ्जों में बयां कर रहा हूं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस यानी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि शुक्ल जी की बातों से इत्तफाक नहीं रखते द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम अगर हिंदुस्तान में नहीं आया होता तो भी जो है हमारा जो साहित्य का 12 आना यानी कि 75% हिस्सा जो है वैसे ही रहता जैसा है। तो द्विवेदी जी ने अपने एक पुस्तक जो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में लिखा है कि यह अत्यंत उपहासात्मक है, यानी हंसने वाली बात है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद मतलब सुरक्षित दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने अपने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। यानी कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर मुसलमान लोग तो उत्तर भारत में मंदिर को तोड़ रहे थे तो फिर भक्ति की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत से क्यों हुई, क्योंकि दक्षिण भारत तो निरापद था यानी सुरक्षित था, सेफ था, तो फिर दक्षिण भारत के लोगों में भक्ति भावना पहले के क्यों आई। उनका कहना था कि अगर भक्ति भावना अंग्रेजों ये मुसलमानों के कारण जो ही हुआ भक्ति काल आया तो फिर
साउथ में क्यों आया ये पहले, क्योंकि मंदिर तो टूट रहे थे नॉर्थ इंडिया में, समझा रही है? ये उनका अपना अपना तर्क है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को ओढ़ना था तो पहले उसे सिंध में या फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वो प्रकट हुई दक्षिण भारत में। इस तरह से द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की हतदर्प पराजितार्थी की प्रतिक्रिया वाली अवधारणा का खंडन किया है। उन्होंने इस्लाम के प्रभाव को पूरी तरह से नकारा नहीं है, इस्लाम के प्रभाव को द्विवेदी जी ने सिर्फ चार आना ही माना है। सवाल उठता है कि बाकी का बार आना क्या है, यानी कि हमारे यहाँ जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, हमारे यहाँ जो भक्ति साहित्य लिखने शुरू हुई, पंडित जी महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये मानते हैं कि केवल चार आना है, यानी 25% इफेक्ट था इस्लाम का। किंतु तब बात ये उठती है कि 75% तक इफेक्ट कैसे था, किसका था, ये लेकर बात जो है आगे बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, मैं थोड़ा पानी पी लूं, बहुत गला सूख गया। यस सर। मैं समझ रहा हूँ, सुनना भी इतना आसान नहीं है। जिस तरह से मुझे बोलने में कष्ट हो रहा है, गला सूख रहा है, सुनना भी कम जो है वो कष्टकर नहीं है। अब इसी तरीके से जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन को हिंदी प्रदेश के वो सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने हिंदी प्रदेश में आधुनिक हिंदी भाषी जाति के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। जाति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन वितरण व्यवस्था। भारत में वैदिक काल से ही भरत कुरु पांचाल आदि अनेक गण समाज थे। ऐसे समाज में उत्पादन सामूहिक श्रम द्वारा होता था और उसका वितरण भी स्वरूप भी सामूहिक होता था। किंतु गण समाज के टूटने पर लघु जातियां बनती है। लघु जातीय का संबंध सामंती समाज व्यवस्था से, और इस समाज में उत्पादन सामूहिक श्रम के स्थान पर श्रम के विभाजन के आधार पर छोटे पैमाने पर होता है। तो वो मानते हैं कि सामंती समाज की लघु जातियों से आधुनिक जातियों का निर्माण होता है। ब्रज अवधि बुंदेली ये जो लघु जातियों से आधुनिक हिंदी भाषी जाति का निर्माण हुआ है। तो रामविलास जी ने जाति का अर्थ भूमि से अलग सिर्फ मानव समुदाय मानते थे। उनके अनुसार जाति वह मानव समुदाय है जो व्यापार द्वारा पूंजीवादी संबंधों के प्रसार के साथ गठित होता है। यानी जाति का संबंध राष्ट्रीय एकता की भावना से है। इस राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास परस्पर आर्थिक विनिमय, सांस्कृतिक संपर्क, भाषागत समानता और संबद्ध ऐतिहासिक परंपराओं में होता है। तो हमारे राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में हमने देखा कि 12वीं सदी से लेकर के बाद जो है केंद्रीकरण का दौर आया। उसके पहले गांव की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ आत्मनिर्भर थी। तुर्क बादशाहों ने बाजार तोड़ने के बटखारा बाट जिसको बोलते हैं सिक्के आदि में सुधार किया है ना। नई नई मंडियां और नई नई तरह से शहर आबाद हुए। शेरशाह के समय में जो कि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सड़कें बनी, नहरें बनी, व्यापार में काफी विकास सहायक सिद्ध हुआ। शेरशाह ने मतलब किसान और राज्य के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। अकबर के समय में सामंता और जागीरदारों की ताकत कुछ कम हुई, बहुत कम हुई। केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई। व्यापार में इस सबसे काफी बढ़ोतरी हुई। उत्पादन अब व्यापार के लिए होने लगा। पहले लोग उत्पादन अपने लिए करते थे खाने पीने के लिए, अब जो है उत्पादन किसके लिए होने लगा, व्यापार के होने लगा। तो कुल मिलाकर व्यापार द्वारा पूंजीवादी संबंधों का प्रसार शुरू हुआ। पुराने जनपदों का अलगाव दूर हुआ। पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली व्यापार के केंद्र बने और इन केंद्रों में कारीगर और व्यापारी बड़े संख्या में एकत्र होते थे। इसलिए इन शहरों में भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है ना, शहर में ज्यादा लोग मैंने आना शुरू किया। तो हमने देखा कि पूंजीवादी संबंधों का प्रसार इस काल में हो रहा था, लेकिन सामंती व्यवस्था जो है वो बनी हुई थी। सामंती व्यवस्था में दरबारी संस्कृति पल रही थी। हेलो, यस सर,
सुन रहे आप लोग, 17वीं सदी के बाद जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, समूचे भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, व्यापारिक विकास रुक गया, सामंती संस्कृति फिर से वर्चस्व में आ गई। तो एक तरह से ये इनका मानना है कि ये सामंतों के प्रति जो है एक तरह से आंदोलन का काल था, है ना, सामंती व्यवस्था के प्रति। जो भी अलग अलग लोग अलग अलग ये मानते हैं अपना अपना, लेकिन अभी तक हमने जान लिया कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो दक्षिण भारत में, है ना। दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन के बाद भारत के कई क्षेत्रों में फैल गया आंदोलन। यह आंदोलन जो है दक्षिण से उत्तर भारत में विकसित हो गया। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का एक सूत्र जो है महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से जुड़ा। 13वीं-14वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि भक्तों ने इस आंदोलन के माध्यम से महाराष्ट्र में एक जातीय और सांप्रदायिक एकता को मजबूत किया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भक्ति काल जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन है, मतलब इसने पूरे भारत के चरित्र को बदल कर रख दिया, है ना। महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं कि जातीय धर्म के बंधन को इन्होंने विरोध किया। हिंदू तथा मुसलमानों के जो निम्न श्रेणी वाले लोग थे वो भी चैतन्य के शिष्य थे। तो भक्ति एक तरह से सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हमारे यहाँ आया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ सबसे पहले, तो दक्षिण भारत। इतिहासकारों ने दक्षिण भारत में भक्ति के उदय की व्याख्या जो है वो की है। उनके अनुसार जो स्थिति उत्तर भारत में 13वीं-14वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई, वह दक्षिण भारत में पहली सदी के बाद ही पैदा हो गई थी। तो दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद कई शताब्दियों तक राज्य सत्ता अनेक पराक्रमिक शासकों के हाथ में रही। केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने के परिणाम स्वरूप व्यापार और कृषि में उन्नति स्वाभाविक थे। दक्षिण में जो है चोल वंशी शासक कई काल से लेकर कावेरी जल को नियंत्रित कर सिंचाई की व्यवस्था की। इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो पूंजीवादी संबंधों का प्रसार हुआ और सामंती व्यवस्था में जो वर्ण जातियां पिछड़ी हुई थी उनमें आर्थिक सुधार हुआ। दक्षिण में अलवार भक्तों में बड़ी संख्या में शूद्र और भक्त महिला भक्त भी थे। तो शूद्रों का भी स्थान मिला, महिलाओं को भी स्थान मिला। महिला तो हमारे समाज में शूद्र से भी उनकी स्थिति खराब थी। तो भक्ति आंदोलन एक तरह से जन जागरण का आंदोलन, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने अभी तक बैकग्राउंड दिया आप लोगों को कि भक्ति आंदोलन के पीछे क्या क्या चीजें, संक्षेप में ही दिया कैसे कैसे चीजें काम कर रही थी, इसका क्या मत था, है ना। अब देखो भक्ति हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति जो है वो दो भागों में मेजर दो भागों में बटा, बड़े तौर पर मुख्य तौर पर दो भागों में बटी हुई थी, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, वेरी गुड। तो सगुण में स मतलब सहित, स का मतलब सहित, विथ जिसको इंग्लिश बोलते हैं, गुण यानी गुण के साथ, यानी जिस भाग के लोग, जिस संप्रदाय के लोग ईश्वर का एक रूप मानते थे, ईश्वर का एक गुण मानते थे, ईश्वर के एक चेहरा होता था, है ना, उनकी एक जाति होती थी, तो ऐसे लोग, ऐसी भक्ति जो है सगुण भक्ति में आती है। उसमें ईश्वर का एक क्या होता था, एक रूप होता था। जैसे मान लीजिए ये राम है तो ये लक्ष्मण है तो ये कृष्ण है तो ये विष्णु है, है ना। इसमें क्या होता है, अच्छा आप लोगों को यदि हम राम की तस्वीर दिखाएं या कृष्ण की तस्वीर दिखाएं और पूछे कि ये कौन है, तो आप बता देते ना कि सर ये राम है कृष्ण है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं, यस सर। कैसे बताते हैं, क्या आपने राम को देखा है, क्या आपने कृष्ण को देखा है,
देखे हैं? नो सर। तो कैसे बता देते हैं कि ये राम है ये कृष्ण है? सर इमेजिनरी मतलब जिस तरह से हम लोग सुनते आ रहे हैं बस हम लोग मान लिए कि हाँ ये कृष्ण है राम है सर। मतलब फोटो और मूर्तियां देख देख के ना? हाँ हाँ सर। क्या? यस सर। मतलब बार 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 उसी तस्वीर को देखते देखते आपको बचपन से बताया गया है? बड़े लोग हम लोगों को उसी तरह से बताए हैं कि तो हम लोग वही मान लिए कि हाँ ये अगर कृष्ण को बता दिया जाता कि ये राम है तो हम लोग वही मान लेते कि हाँ यही राम है। अच्छा बिल्कुल। तो यानी कि वो चेहरा आपका ब्रेन मैपिंग कर लेता है ना? आपका ब्रेन जो है वो क्या करता है उसको मैप बना लेता है और उसी अनुसार जो है आप देख कर बता देते, जबकि आपने कभी उनको देखा नहीं है, है ना? जिन तस्वीरों को जिन मूर्तियों को आपको बार बार दिखा कर कि ये जो है अमुक भगवान है, ये अमुक है, ये तमुक है, उनको आप बताया था ना, तो तभी तो आप जान पाते हैं कि नहीं है? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यही तो है सगुण भक्ति कि आपने आप उनके रूप को देखकर आप समझ लेते हैं, लेकिन निर्गुण में क्या होता है उसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। उसमें ईश्वर जो है वो निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, उनकी कोई सूरत नहीं होती, उनकी कोई मूरत नहीं होती है ना? वो ऐसी भक्ति जो है हम लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति, जिसमें मतलब भक्त दोनों ही है, दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, दोनों ही ईश्वर की जो एग्जिस्टेंस है अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक जो है वो रूप के आधार पर मानता है और दूसरा जो है वो निराकार रूप में मानता है। तो जो लोग रूप को मानकर जो है भक्ति करते थे रूप के आधार पर, उनको भक्ति जो है सगुण भक्ति कहलाती थी, और जो लोग मानते थे कि नहीं ईश्वर का सत्ता है, ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता है, उनके नजर में क्या था? ये हास्यास्पद था कि ईश्वर कोई रूप होता है कि जिसने सभी को बनाया उसका क्या रूप हो सकता है? अब मान लो ये रूप जो है तो अगर तुम फोटो देखकर या मूर्ति देखकर अगर जान पाई हो तो मूर्ति तुम फोटो किस पर देखती हो? कागज पर, है ना? तो जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कैसे जानते थे? तो कागज पे देख नहीं पाते थे फोटो में, या मूर्ति ये जो कला का निर्माण नहीं हुआ था, जब जो है मूर्तियों पर मान लीजिए कोई पत्थर से अगर खुदाई करके अगर रूप बनाता है कोई फिर भी हम मान लेते, लेकिन जब औजारों का युग ही नहीं होगा उस समय, तब क्या भगवान की सत्ता नहीं थी? तब भी थी। इसीलिए ये लोग मानते हैं कि नहीं ईश्वर का जो रूप होता है वो कोई रूप नहीं हो सकता, ये हम लोग एक इमेजिनरी ऐसा बना लेते हैं और बार बार कहने से देखने से उसी को मानने से हम लोगों के दिमाग में वो छवि बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, वो ईश्वर की स्थिति अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी नजर में ये है कि ईश्वर का कोई एक मनुष्य जैसा रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का अगर रूप अगर है ऐसा तो फिर पहले किसने देखा, किसने बनाया उसको, उस रूप को? जैसे मैंने अभी आपसे पूछा ना कि कैसे जान जाते हैं आपकी कि कृष्ण भगवान है, ये विश्वकर्मा जी है, तो ये राम है, तो ये कृष्ण है, तो ये लक्ष्मण है, तो ये इंद्र है, कैसे जान जाते हैं? कभी तो देखा नहीं है, है? क्या? हेलो। तो दोनों ही अपने अपने जगह पर सही। फिर ये सगुण वाले कहते हैं कि अगर ईश्वर की अगर हम भक्ति करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए आप याद करते हैं, है ना, जैसे हम लोग कभी अपने मामा फूफा दादाजी दादी माँ कभी उनके रूप को देखे तो उनको स्मरण करते हैं, अगर वो नहीं भी रहते तो उन ऐसा लगता है कि वो हमारे पास, उनको स्मरण करने से वो है। तो सगुणों का ये तर्क है कि बिना रूप का जो है मन में जो है किसी प्रकार की मतलब एक इमेज तैयार नहीं होता है और उससे उनको असुविधा होती है ईश्वर का स्मरण करने में, तो इसलिए स्मरण जो है उनके रूप को रखकर जो है करते हैं। दोनों की अपने अपने दलीलें हैं, अपने अपने
मैं इसमें इस पचड़े में नहीं जा रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, है ना, और सभी की अपनी धारणाएं जो है वो काफी सटीक लगती है। लेकिन मूल बात यह है कि ईश्वर को आप स्वीकार करते हैं, वो चाहे सगुण रूप में हो या निर्गुण रूप में। तो हमारे यहाँ जो दो तरह की भक्ति हम लोग हिंदी साहित्य में देखते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है हमारे यहाँ, एक तो राम मार्गी, हेलो सुन पा रहे हैं आप लोग, राम भक्ति शाखा, यस सर, दूसरा कृष्ण, दूसरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा, है ना। राम भक्ति शाखा यानी जो अपने आराध्य देव जो है राम को मानकर चले, वो उनका अपना साहित्य जो है सृजन जो है वो राम को केंद्र में रखकर किए, राम को आधार बनाकर किए। तो ऐसे कवियों को, ऐसे भक्त कवियों को हम लोग जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि कहते थे। और जिन भक्त कवियों ने कृष्ण को आधार बनाकर अपनी साहित्य को रचा, जैसे तुलसीदास, ये सूरदास वगैरह, तो उनको हम लोग कहते हैं कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। और राम मार्गी में जैसे तुलसीदास वगैरह है ना, प्रतिनिधि कवि। कृष्ण मार्गी में जो है सूरदास जो है वो वगैरह ये लोग जो है प्रतिनिधि कवि है। उसी तरीके से निर्गुण भक्ति भी दो भागों में बटा हुआ था। निर्गुण भक्ति एक वो जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को ज्यादा तरजीह देते थे, ज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ऐसे कवि, ऐसे भक्त कवि संत कवि कहलाते थे। और दूसरा वो जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की मार्ग को ज्यादा तरजीह देते थे, ऐसे भक्त कवियों को हम लोग, हेलो, अच्छा वन मिनट, ओके स्टूडेंट्स, मैं एक मिनट में, एक मिनट हो गया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो, जी सर, जी सर बोलिए, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ यस सर, यस सर। तो ये हम लोग देखे बहुत टफ हो जाता है कि निर्गुण भक्ति जो है वो दो, उनमें भी दो तरह की भक्ति थी। एक वो जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान को ज्यादा तरजीह देते थे, तो ऐसे भक्त कवि को हम लोग संत काव्य धारा के मानते हैं, संत काव्य, संत कवि, है ना। और एक दूसरा वर्ग निर्गुण भक्ति में था जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की मार्ग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ज्यादा तरजीह देते थे, तो ऐसे भक्त कवियों को हम लोग कहते थे सूफी कवि, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, लर्नर्स, हेलो, कि सगुण जो है दो भागों में बटा हुआ था, किसमें,
राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में, और निर्गुण जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, संत भक्त और सूफी भक्त, है ना, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। ठीक है, समझ में आया ये चार चीज, समझे आप लोग? यस सर। अच्छा, यस सर। पूजा बोल रही हो ना तुम? हाँ सर। आशा बोलो तो, निर्गुण निर्गुण भक्ति, निर्गुण जो है भक्ति जो है वो कितने भागों में विभक्त है? दो भागों में सर। कौन कौन? कृष्ण भक्ति और एक याद नहीं आ रहा सर। मेरा प्रश्न क्या था पहले बताइए? आप पूछे कि निर्गुण भक्ति कितने भागों में बटा हुआ है? हाँ, तो दो भागों में। क्या कहा? दो भागों में। ठीक, कौन कौन? कृष्ण भक्ति और सर संत एंड सूफी। एक मिनट, कोई दूसरा मत बोलिए। हाँ सर, संत एंड सूफी। संत एंड सूफी सर, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये बहुत जो जो नाम है ना, तो उनसे मैं पूछूंगा तो वही बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है। सुन पा रहे आप लोग? तो सर याद आ गया, याद आ गया, वेरी गुड, बताइए तो बता दीजिए सर। याद आ गया तो बता ही दीजिए। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, किस प्रश्न का उत्तर है ये आप दे रही हैं? सर आप पूछे ना, निर्गुण कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, तो अच्छा। वही तो सगुण, तो जब निर्गुण जो है ये दो भागों में आपने बता दिया, तो फिर सगुण दो भागों में बताए, उसका नाम बताइए। सगुण आपने निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांट दिया। नहीं 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 सर, गलती हो गया। सगुण भक्ति दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। हाँ, और निर्गुण भक्ति, निर्गुण आई डोंट नो सर। अभी मैंने कहा ना आई डोंट नो, अंग्रेजी बोलना से तो होगा नहीं सर, याद नहीं आ रहा। सूफी और संत। संत और सूफी तो बताया अभी। मेरा मकसद है सभी को लाभ पहुंचाना है ना किसी। हाँ सर, सबको जो है। तो निर्गुण जो है वो सूफी और संत, तो सूफी को कहते थे प्रेम मार्गी, लिख लीजिए आप लोग, भूलिएगा नहीं। सूफी हाँ, का एक और नाम है, जब आपसे पूछा जाएगा तो ये आपके काम में आएगा। तो सूफी जो है वो ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रेम मार्गी काव्यधारा, क्योंकि मैंने बताया था ना प्रेम मार्गी, क्योंकि ये लोग प्रेम को ज्यादा तरजीह देते थे, इम्पोर्टेंस देते सूफी लोग। इसके प्रतिनिधि कवि थे मल्लिक मोहम्मद जायसी, इसको जायसी बोलते हैं, जायसी बोलते हैं। अच्छा, और दूसरा जो है वो मैंने कहा संत काव्यधारा, तो संत काव्यधारा को ज्ञान मार्गी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी। हाँ सर। हाँ, ज्ञान मार्गी, क्योंकि ये लोग ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे। इसके प्रतिनिधि कवि थे कबीर, कबीरदास। तो चार प्रतिनिधि कवि हमने बताया, एक राम भक्ति का तुलसीदास, कृष्ण भक्ति का सूरदास, निर्गुण में जो है दो मैंने बताया कि संत काव्य धारा यानी कि ज्ञान मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर, और निर्गुण के जो है दूसरा सूफी को जो हम लोग कहा था प्रेम मार्गी काव्य धारा, सूफी या प्रेम मार्गी, इसके प्रतिनिधि कवि थे जायसी, पूरा नाम था मल्लिक मोहम्मद जायसी, मल्लिक मोहम्मद जायसी। समझ में? राम भक्ति का तुलसीदास, राम भक्ति का तुलसीदास और कृष्ण भक्ति का सूरदास। ओके, क्या मैंने कुछ मैंने उल्टा बोल दिया? राम भक्ति तुलसीदास, राम भक्ति तुलसीदास, कृष्ण भक्ति सूरदास, संत या ज्ञान मार्गी कबीर, है ना, और सूफी या प्रेम मार्गी जायसी। तो चार कवियों का नाम से आपको याद हो जाएगा। समझ में आया पहले ये बात?
यस सर। अब हम लोग तुम्हारी जो काम की बात यह है कि अब इन्हीं चारों धाराओं की विशेषता को पढ़ेंगे। किनकी किनकी? राम मार्ग की काव्य धारा की विशेषता, कृष्ण काव्य धारा की विशेषता, संत काव्य धारा की विशेषता और सूफी काव्य धारा की विशेषता। चार तरह की काव्य धारा है ना, इन चारों की विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से अब, या इनकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे विस्तार से। समझ आ रही है? Yes, अब जो है जो मैं पढ़ाऊंगा, ये चारों नोट कर लिए आप लोग? Yes, sir. सभी लोगों ने नोट किया तो? Yes, हाँ सर। अब हम लोग चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे और ये चारों ये आपके जानने का बहुत बहुत जरूरी है चारों है? एक बार मैंने जो पढ़ाया है उसे फिर से आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान मार्गी काव्य धारा। क्या पढ़ेंगे आप लोग? एक कॉपी कलम उठा लीजिए और जो केवल पॉइंट्स जो अगर मैं जो कहूंगा उससे आप लोग नोट करते चलिएगा। क्या मैंने कहा है? ज्ञान मार्गी काव्य धारा। ज्ञान मार्गी, वेरी गुड। ज्ञान मार्गी का ही एक दूसरा नाम क्या है? ज्ञान मार्गी का ही एक दूसरा नाम क्या है? संत काव्य धारा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सर? संत काव्य धारा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, संत काव्य धारा। हम लोग संत काव्य धारा, हाँ संत काव्य धारा जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? यस सर। यस सर। बिल्कुल यस सर। आप लोगों ने पेन ले लिया हाथ में? पेन और कलम है साथ? कागज है? यस सर। कॉपी? यस सर। यस सर। बताइए तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कबीर। वेरी गुड। कबीर दास को इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा है? क्या? यस सर। पढ़ा ना? और आज भी आप लोग को पढ़े तो हेलो सर। हाँ बोलिए। ज्ञान भक्ति का विधारक के प्रवर्तक कौन है? हम भूल गए। क्या नाम है आपका? आशा सिंह। क्या नाम है? आशा सिंह सर। आशा सिंह सर। आशा सिंह, ठीक है। अच्छा आप में से कोई बता दीजिए इनका उत्तर। बताइए सर। कबीर दास। किसने उत्तर दिया? थैंक्स सर, लिख लिए सर। आरसा ना। उत्तर कौन दी? आरसा। आरसा पूरा नाम सर? रानी साव। क्या? रानी साव। अच्छा ठीक। ओ तो ये शॉर्ट में नाम क्यों आप लोग बोलते सर? ईमेल आईडी इन डाला हुआ है सर। ओ इसीलिए।
चलिए, क्या मैंने कहा था आप लोगों से? ज्ञान मार्गी केवल पॉइंट्स, क्योंकि पूरा बताना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक क्लास में तो खत्म नहीं कर पाएंगे। पहला नंबर पॉइंट, निर्गुण उपासना। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या लिखिएगा? निर्गुण उपासना। उपासना ये, अच्छा ऊपर में हेडिंग दे दीजिए आपको कि ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताएं। ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताएं, ब्रैकेट में संत का विधारा भी लिख लीजिएगा। मैंने ये तीनों नाम चलेगा इसके लिए, तीनों में से किसी की भी विशेषताएं पूछता है, या अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है संत काव्य धारा की विशेषता, या पूछ रहा है ज्ञान मार्गी काव्य की विशेषता है, या पूछ रहा है ज्ञानाश्रय मार्ग की, ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषता है, तो तीनों का उत्तर जो है यही होगा, है ना? पॉइंट नंबर वन, क्या मैंने कहा? निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना, इस शाखा के कवियों ने ईश्वर को क्या माना है? निर्गुण माना है, निराकार ब्रह्म की भक्ति को, निराकार ब्रह्म की भक्ति को जो है इन्होंने, हालांकि बहुत कठिन होता है इनको आलम्बन मानना, उसके संबंध में ज्ञान की चर्चा सुलभ होती है। तो कबीर ने सिद्धों और नाथों की विचारधारा को आगे बढ़ाया और निर्गुण निराकार अव्यक्त और घट घटवासी ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इनका ये मानना था कि निर्गुण जो राम है वो पृथ्वी के कण कण में बसते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, कबीरदास जी ने, उनका ये मानना था कि ब्रह्म जो है यानी That Almighty God, वो एक है। इन लोगों को बहुदेववाद में विश्वास नहीं है, यानी ये जो बार बार अवतार लेकर भगवान का अलग अलग रूप होता है, इनमें निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ये ज्ञानाश्रय मार्ग के कवियों को इसमें विश्वास नहीं है, है ना? ये जन्म मरण के बंधन से पड़े हैं तथा इन्होंने उस राम के अनेक पौराणिक नामों का प्रयोग किया है। जो राम घट घट में बसते हैं वो राम कबीर के राम तुलसी के राम नहीं है। कबीर के राम जो है वो कौशल्यानंदन नहीं है, कबीर के राम जो है वो अयोध्या के राजा नहीं है, ना? क्योंकि वो तो सगुण हो गए और वो किसी खास वर्ग के लिए हो गए, लेकिन निर्गुण जो है वो सभी के लिए है। उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि अमुक आदमी इस जाति से हो, इस धर्म से हो, वो सबके लिए है। इसीलिए कभी कभी इस राम के नाम पर कई बार लोगों में विवाद हो जाता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि राम किसी एक खास धर्म के लोगों का नहीं है, है ना? राम को जो जपेगा राम उसी का है। निर्गुण राम जपहु रे भाई, जो जपहु से तासहु होई, जो जपेगा वो उसी का है। यहां पर किसी तरह का बंधन नहीं है, इस तरह से
ये एक तरह से देखते हैं कि ईश्वर का रूप का विस्तार है यहाँ पर, तो संकुचित धाराएं नहीं है, किसी एक खास धर्म मजहब किसी खास वर्ग के लोग ही उनकी पूजा पाठ करेंगे ऐसी बात नहीं है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट समझ में आया निर्गुण उपासना है? समझ में आया जी सर, थोड़ा थोड़ा पूरा उतना। दूसरा लिखिए जाति व्यवस्था का, मतलब निर्गुण उपासना मतलब ये लोग उस प्रभु का उस ब्रह्म का उस देवता का पूजा करते थे जिसका रूप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई जात नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो कण कण में है, हर रूप में है वो, इसीलिए उसका कोई खास रूप नहीं हो सकता कि इसी रूप में होगा तो ये ईश्वर है दूसरे रूप में ईश्वर नहीं है। इसलिए इनकी उपासना कैसी थी, निर्गुण उपासना थी, और ये निर्गुण पूजा पाठ की ही सलाह देते थे, तभी तो कबीर कह रहे कि निर्गुण राम जब पहुरे भाई, समझ में दूसरा पॉइंट लिखे सर में, निर्गुण कौन देश के वासी, मुझकर समझाए सो हृदय बुझत साच नहासी। सर निर्गुण के बारे में सर बताए हैं। हाँ बोलिए। ये तो कबीर की लाइन नहीं है, क्या बोलना, कौन सा लाइन? कबीर की लाइन है ना सर, कबीर की क्या? ये तो सूरदास कर, हाँ ये तो सूरदास की गोपियां कहती है। सूरदास की सर, सर दोनों में सर मिक्सअप हो जाता है। थैंक यू सर, सॉरी सर। ओके सर, हम भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए, मतलब कि ये क्या भाई कबीर नहीं आया हुआ, कैसे कब ये बातें कह दी कि निर्गुण कौन देश को वासी। ये जब गोपियां जो है ना, सूरदास ने भ्रमर गीत में लिखा है ये, जब उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया था, निर्गुण ज्ञान पर, यस सर यस सर, तो कृष्ण ने अपने मित्र जो है उद्धव ना, मथुरा में उनके राजनीतिक मित्र थे ये उद्धव जी, बड़ा इनका बहुत निर्गुण निर्गुण करते थे, निर्गुण ज्ञान पर बड़ा इनको गर्व था, यस सर, तो उनके ज्ञान गर्व को तोड़ने के लिए उन्होंने उनको भेजा गोपियों के पास। तो जब वो गोपियों के पास गए उद्धव जी, तो वही गोपिया कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। यस सर याद आ गया सर, यस सर यस सर। हाँ तो ये, हाँ अभी याद आ गया उनको, तो ये जो बातें हैं ये अपने अपना दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है, और एक सीधी से साधारण भाषा में ना, वो सगुण का यहाँ गुणगान कर रहे हैं, वही जो है कबीर निर्गुण का गुणगान, इन लोगों का निर्गुण उपासना थी, इसीलिए जो जो निर्गुण कवि होंगे तो वो निर्गुण की बात करेंगे, जो सगुण कवि होंगे तो सगुण की उपासना करेंगे, है ना। तो दूसरा पॉइंट है जाति व्यवस्था का विरोध, लिख लो। पहला पॉइंट लिख लिया निर्गुण उपासना, लिखा हो तुम लोग? हेलो, दूसरा पॉइंट क्या लिखे? जाति व्यवस्था का विरोध, जाति उपासना सर, जाति उपासना, जाति उपासना, जाति व्यवस्था का विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध, जाति उपासना, तब तो तुम एकदम पूरा उल्टे ही ले जाओगे, मतलब पूरा जो बातें कहनी है वो उल्टा हो जाएगा। जाति व्यवस्था का विरोध, देखो ये जो निर्गुण कवि थे भक्ति काल के कवि, ये सभी कवि जो है वो निम्न वर्ग से आते थे, और निम्न वर्ग में भी छोटी जातियों से ये ज्यादा आते थे। हालांकि मेरी दृष्टि में, मेरी सोच में मनुष्य की दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष, लेकिन गर्भवर्ण व्यवस्था किस
संदर्भ में बनाया गया था, हम अगर जाएंगे तो बहुत दूर लग जाएगा, 2-4 घंटा लग जाएगा उसमें। लेकिन हाँ, तो इसका तो कोई नकार नहीं सकता कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था थी। तो जाति व्यवस्था, ये जो कवि आते थे निचले वर्ग से या निचली जाति से, सो कॉल्ड निचली जाति से, इन लोगों ने अपनी अपनी रचनाओं में, अपने अपने साहित्य में जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया है। जाति पाति का खंडन जो है इन्होंने खुलकर किया है, क्योंकि ये कवि खुद जो है जाति पाति के दंश को झेले थे कि छोटी जाति होने की क्या पीड़ा होती है, लोग जो है कुओं से पानी भरने नहीं देते हैं, जलाशय पर जाने नहीं देते हैं, लोग जो है अपने घर के आसपास फटकने नहीं देते हैं, उनके घर के पास से गुजर जाओ तो गंगा जल और पानी जो है से धोते हैं घर को, कितनी पीड़ा होती होगी उस व्यक्ति को, ये खुद वो लोग समझते थे। इसीलिए ये लोग जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि जाति जो है व्यवस्था, ये किसी भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि हम इंसान ने अपने सहूलियत के अनुसार इसे बनाया था, कमजोर वर्ग को जो है छोटी जाति में ढकेल दिए थे। समझ आ रही है? जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर थी, उन्होंने हमें हमने ढकेल दिया था। वरना अगर जाति सही में अगर होती, भगवान थोड़े ऊपर से बोल रहे हैं कि 5 ब्राह्मण फेंक दिए, 4 क्षत्रिय फेंके, 5 वैश्य फेंक दिए, 10 शूद्र फेंके, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर इतिहास में कई सारे ऐसे लोगों हम लोगों ने देखा है कि स्त्री और पुरुष में कोई एक छोटी जाति का, कोई एक बड़ी जाति का होता था, तो उनमें तो कोई असुविधा तो थी नहीं। लेकिन आम जिंदगी में ऐसा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने जाति पाति का सभी संतों ने विरोध किया, क्योंकि वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यानी जो भगवान को पूजा करेगा भगवान उसी के है। ये कहकर उन्होंने जाति भेद का विरोध किया था। कबीर सभी जो है प्राय निम्न जाति के थे, चाहे वो कबीर जुल्हा थे, रैदास चमार थे, दादू दयाल मोची थे या धुनिया थे, इन्होंने अपने कभी जातियों को छुपाया नहीं, बल्कि खुलकर कहते हैं कि तू ब्राह्मण में काशी का जुल्हा, सच का उठा और ठिकाना, या रैदास खलास चमारा। उसी जाति के कवियों में नानक और सुंदरदास के नाम भी प्रमुख है, परंतु उन्होंने भी जाति की महत्ता को स्वीकार नहीं किया। ये चाहे सुंदरदास हो और नानक, ये लोग बड़ी जाति से आते थे ज्ञान इस शाखा में, लेकिन इन लोगों ने भी जाति पाति का विरोध ही किया। कोई भी ज्ञान संपन्न व्यक्ति इस बात का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र, उसका व्यवहार, उसके ज्ञान, इन सभी से उसकी जाति आकी जानी चाहिए, न कि ये कि कोई ब्राह्मण का बेटा हो, कोई ब्राह्मण के संतान हो, अगर वो मान लो शराबी हो, जुआरी हो, व्याविचारी हो या खराब दृष्टि का हो, तो भी हम उसे बड़ी जाति क्यों समझेंगे? यू ये 700 साल पहले कबीरदास, 700-800 साल पहले इन लोगों के जहन में था इस बात है कि समाज में इस तरह की बुराई फैली हुई है, और वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज भी आधुनिक समाज में भी ये सब सच चलता है कि व्यक्ति की उसके व्यक्तिगत पहचान से उसकी जाति तय की जानी चाहिए कि उसके माध्यम से समाज को क्या जाता है, इस विचार से व्यक्ति की जाति तय हो जानी चाहिए, न कि इस विचार से कि वो किस कि उसकी पैदाइश कहाँ पर हुआ है। क्योंकि आपकी पैदाइश कहाँ होती है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके विचार, आपके व्यवहार, आपका ज्ञान, आपके रुचि, ये सभी आपके अपने हाथ में है ना, इसलिए वो जाति पाति का विरोध करते हैं। समझ में आया? यस सर। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट पाखंड विरोध। पाखंड विरोध, पाखंड विरोध देखिए आप लोग,
देखा आपने पाखंड विरोध? यस सर। अब देखिए पाखंड मतलब क्या, मिथ्या आडंबर। हमारे समाज में कई तरह के मिथ्या आडंबर थे, हिंदू और मुसलमान दोनों में, व्रत पूजा तीर्थ रोजा नमाज हज, ये सभी की प्रवृत्ति थी हमारे समाज में। और इस प्रकार के आडंबरों को इन कवियों में कोई आस्था नहीं थी, अतः इन लोगों ने मुल्लाओं और पंडितों के खूब खिल्ली उड़ाने की चेष्टा की। देखो इस जगह पर किंतु मौलवी और पंडित ये दोनों एक हो जाते हैं, यदि खिल्ली उड़ाने की बात आती है तब ये एक हो जाते हैं और नहीं तो ऐसे ही अलग है। कबीर दास जी ने कहा है ना कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बारा हुए खुदाए। मतलब उनको लगता था कि ये क्या इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं। सोनू निगम जो है अभी हाल फिलहाल के दिनों में इन चीजों का विरोध कर रहे थे, हमारे यहाँ कबीर ने 700 साल पहले ही कर दिया है, आज ये लोग थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाते थे, लेकिन कबीर दास जी से लोग वो लोग खुलकर लोगों के संगठन में आते थे, वो खुलकर जो है पाखंड का विरोध करते थे। वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इस बात को देखे बगैर वो जो सच है उसको कहते हैं। हिंदुओं में उन्होंने कहा, हिंदुओं में क्या नहीं छोड़ा है, हिंदुओं को उन्होंने कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चकिया भली जाका पीसा खाए। अर्थात पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं बड़ा पत्थर पूजूंगा ताकि मुझे हेलो। यस सर। आवाज बीच बीच में कट रही है सर। आवाज कट रही है? हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। आ रही है? यस सर। आप लोगों ने देखा कि हिंदू हिंदू और मुसलमानों दोनों को इन्होंने समान रूप से लताड़ा है, जहां भी जो सच दिखा उन सच को उन्होंने सच को जो है वो माना है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पहले तय कर लेते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है और उसी को प्रूफ करने में हम लोग सारा तर्क जो है देते हैं, ताकि आप जो बोल रहे हैं उसको जो प्रूफ हो जाए। ये ऐसा नहीं करते थे, ये जहां भी पाखंडी ने नजर आती थी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो किसी वर्ग में, ये खुलकर बोलते थे। इतनी हिम्मत आज भी किसी शताब्दी के कवियों में नहीं है। वो सोचते हैं कि क्या बोलेंगे तो फायदा पहुंचेगा, क्या बोलेंगे तो लाभ होगा, ये कभी ऐसा नहीं करते थे। चाहे वो रोजा हो नमाज हो हज हो व्रत हो पूजा हो तीर्थ हो, सभी का जो है इन लोगों ने जहां पर जैसा जब भी पाखंड देखा है इन्होंने मिथ्या आडंबर देखा तो विरोध किया। देखिए ईश्वर को तो ये भी मानते थे, लेकिन ईश्वर के मानने का मतलब ये नहीं है कि हम पाखंड को भी स्वीकार कर लें। डॉक्टर का उसके डॉक्टरी का मानने का ये मतलब नहीं है कि और भी जो गलत चीजें हैं उसको भी स्वीकार कर लें। एक जो अच्छा है उसको मान लिए, लेकिन उसके माध्यम से तुम आडंबर को अगर लाओगे तो उस आडंबर को हम नहीं मानेंगे। हम लोग क्या है, अगर एक चीज मानते हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीजों को मानते हैं। ये हमें उतनी ताकत नहीं होती क्योंकि हम लोग कबीर दास नहीं है, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
हिंदू मुस्लिम एकता। हेलो हेलो यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। ज्ञानश्री कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से काफी ज्यादा काम किया है। इन्होंने इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखकर उन्हें सतमार्ग और सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। कबीर की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति इस संबंध में उल्लेखनीय है, अरे इन दोन राह न पाई। कभी कभी उन्होंने अपने को हिंदू और मुस्लिम कुछ भी न मानकर पांच तत्वों का पुतला कहा है। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। यानी दोनों की अच्छी बातों पर बल देना और दुर्बलताओं पर प्रहार करना करके वे हिंदू और मुसलमानों को एक समीप लाने का उन्होंने प्रयास किया है ना? क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति का जन्म से नहीं होता है, जन्म के साथ ही जो है उसका धर्म जो है वो ये नहीं कि इस धर्म के लोग हैं तो ऐसे पैदा होंगे, उस धर्म के लोग हैं तो ऐसे पैदा। सभी को ईश्वर ने एक जैसा, मैंने कहा कि धर्म दो ही जाति है, पुरुष और स्त्री, और कोई जाति ही नहीं है। लेकिन ये हम लोग मानने का तैयार नहीं होते हैं। और ये संत कवि जो है बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू है जो मुस्लिम बन जाते हैं, मुस्लिम जो है हिंदी बन जाते हैं, दो चार पीढ़ी। अगर मैं आप ही को या हम ही को कोई कहे कि आप जो है 50 पीढ़ी पहले क्या थे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आपसे अगर पूछा जाए 10 पीढ़ी का नाम का बता पाइएगा आप में से कोई? ज्यादा से ज्यादा अपने पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उसके बाद थम जाती है। उसके बाद हम लोग कौन है खुद ही नहीं मालूम है। मालूम है? हेलो, किसी मुस्लिम से या किसी हिंदू से अगर पूछा जाए कि तुम क्या हो 50 पीढ़ी पहले, 100 पीढ़ी पहले, बता पाए हो? नहीं सर। 10 पीढ़ी तक जा, 10 पीढ़ी तुम अपना, तुम्हें से कोई है जो अभी 10 पीढ़ी का नाम बता सकता है अपना? काल्पनिक नहीं, रियल में हम बोल रहे हैं। है कोई? नहीं। ये मैंने प्रैक्टिकली, इट इज मैंने थोड़ा कठिन है, संभव नहीं है। तो फिर तुम 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 150 पीढ़ी, 200 पीढ़ी पहले क्या थे तुम खुद ही नहीं मालूम। लेकिन ये मालूम हो कि तुम इंसान थे और इन बातों को 21वीं शताब्दी के दो दशक पार करने के वैज्ञानिक युग में, इंटरनेट और ऐसे युग में हम लोग जी रहे हैं जहां पर मतलब सरोगेट मदर जो है वो होती है, ऐसे ऐसी काल में, ऐसे समय में भी हम लोग अंधविश्वास के कठपुतले बने हुए हैं। और कबीर उस जमाने में 700-800 साल पहले, जबकि ज्ञान विज्ञान की कोई चीज नहीं थी, इतनी वैज्ञानिक बात करना, ये इसे ही कहते हैं महापुरुष है ना? कि तमाम संसाधनों के अभावों के बीच में भी ज्ञान की और सच की चरम पर पहुंचना ये बहुत कठिन है। हम लोग सच नहीं मानते ना? हम लोगों का माना हुआ क्या है, इन लोग को जो बताया तो वो मान लेते हैं। जैसे कि मैं अभी कौन जवाब दे रहा था, किसकी किसकी आवाज, जैसे मेल वॉयस, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछूं अगर कि आज कौन सा दिन है तो आज आप क्या बोलिएगा? शनिवार। हाँ बोलिए। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये आज कौन सा दिन है? हेलो जी सर, बोलिए। बोलो बोले तो सर। क्या? शनिवार। शनिवार, आज शनिवार है, बिल्कुल। अच्छा, किसने कहा ये उत्तर, नाम बताइए। स्कूल में जब पढ़ने जाते, जब स्कूल में पढ़ने जाते तो पता है कि 7 दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, ये सब दिन का नाम। अरे अपना नाम बताइए।
सोनू कुमार है मेरा नाम। सोनू सोनू तो मैं बता रहा हूँ कि आज शनिवार है, ये बातें तो तुम्हें कैसे पता चला? सर जब छोटे थे तब से पढ़ाया गया है, तब वही अभी तक याद है। छोटे थे तब से पढ़ाया गया है कि आज शनिवार है। हाँ शनिवार रविवार ये सब आता है। लेकिन 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 अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शनिवार की विशेष पहचान क्या है, कैसे जानोगे कि वो शनिवार? इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ काउंटिंग सिस्टम। हाँ शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, तो ये हमने बना दिया। तो अगर शुक्रवार के बाद शनिवार आता है तो कई सारे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे कैसे आता है? शुक्रवार ही है तो उस अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रख दिया उस पर। हाँ, हाँ। किसी ने जुमेरात रख लिया है, तो किसी ने जुमा रख लिया है, शनिचर रख लिया है, इतवार रख लिया है, रविवार रख लिया, किसी ने संडे रख लिया है ना। हाँ। ये तो हमने नाम रख लिए हैं, लेकिन वाकई में आज क्या शनिवार है? फिर क्या यही दिन 7 दिन बाद घूमकर आएगा? आज जो चला जाएगा वो क्या फिर कभी आएगा? सर लेकिन हमारे हिसाब से क्या है कि फिर वो 7 दिन बाद 7 दिन बाद फिर घूमकर आ जाएगा। हाँ। हमारे हिसाब से तो वही है ना। हाँ सर, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आज जो दिन जो स्थिति जो चली जा रही है कल क्या वो आएगा? नहीं सर। थोड़ा तर्क से सोचो, मतलब भावनात्मक भावावेश में आकर नहीं, कि आज जो दिन चला जाएगा वो फिर कभी क्या लौट कर आएगा कभी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा? नहीं सर, कभी नहीं आएगा। लेकिन हमने बनाया है अपनी सुविधा के लिए। तो ये जो इस तरह से जो हमने जातिया या मजहब ये जिस सुविधा के लिए जिस समय बनाया गया था, आज के दौर में वो एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। आज एक ग्लोबल वर्ल्ड में जहां पर पूरी की पूरी विश्व में एक हम एक एक संस्कृति चल रही है, आज जब 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है तो कौन से घर में हम नहीं देखते हैं कि लोग मना रहे हैं, केक खा रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहा है? कोई ऐसा है? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। तो मजा भी नहीं है, है ना? तो क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, और ग्लोबल वर्ल्ड में एक जैसा सब कुछ है, जहां सारी संस्कृति एक गांव के रूप में रहती है। उस जमाने में क्या था कि एक गांव एक कुनबे में जो लोग रहते थे वो लोग अपने अनुसार जीवन यापन पद्धति चला देते थे। अब उनकी जनरेशन उनके जनरेशन चलते चलते वही उनके लिए वो धर्म वही उनके लिए इस तरह जात उसी तरह से वो बिहेव करने लगते थे। आज जब पूरा वर्ल्ड इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या किसी भी और भी बहुत तरीके से माध्यम से जो हम लोग पूरे वर्ल्ड एक हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है बेमानी लगती है। लेकिन कबीर कैसे लोग थे कि जब उनके पास कोई संसाधन नहीं था तब वो इस तरह से सोचते थे, तो भी हम गंवार बने बैठे हुए हैं, है ना? वो चमकीले कपड़े और बालों को आगे से पीछे से काट कर लंबा छोटा बड़ा कर, है ना? आधुनिकता की वो पहचान नहीं है। वो कबीर और प्रेमचंद जो है वो अपने युग से 500 साल पहले जीते थे। आधुनिकता वहां है, पाखंड का विरोध करने में है। लेकिन हम तो देख रहे हैं आधुनिक बच्चे जो है ना पाखंडी बन गए। आधुनिक बच्चे जो है वो जींस इधर फटा इधर कटा उधर छटा पहन रहे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम तो देखते हैं कि वही बच्चे ज्यादा आडंबर में लगे हुए हैं, आडंबर वहां पर बहुत ज्यादा है। तो आधुनिकता विचारों से आती है, और इस लिहाज से कबीर उस जमाने में भी कितने आधुनिक थे दिखाई पड़ रहा कि पाखंड का विरोध करते थे। हम लोग सोचते हैं अरे ये अपने धर्म के बारे में बात करेंगे,
कोई हम अपने धर्म वाला तुमको ये कर रहा है, लेकिन जहां पाखंड है वहां उन चीजों को बोलने में हर्ज क्या है? ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि तो हम लोग कबीर नहीं हो जाएंगे, ठीक है? ये पाखंड का विरोध, और अगली बात बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप लोगों को जो समस्या पूछिए, दो तीन मिनट का समय है, इंटरेक्टिव सेशन मैंने कहा था कि 15-20 मिनट चलेगा लेकिन हुआ नहीं। पूछना है कुछ? यस सर। सर असाइनमेंट बोलिए, बारी बारी से पूछिए, एक एक करके। बोल रहे हैं सर, असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होगा या ऑफलाइन? असाइनमेंट अभी ऑफलाइन का कहाँ है ये प्रावधान है, अभी तो ऑनलाइन ही जमा हो रहा है। इस तरह आगे जाकर तो नहीं होगा ना, तो ऑफलाइन तो सेंटर तो खुल नहीं रहा है, सब तो ऑनलाइन ही जमा हो रहा है। फिर भी आप पता कर लीजिएगा, जहां तक मेरी जानकारी है कि सभी ऑनलाइन ही जमा हो रहा है अपने सेंटर पर। आप पता कर, किस सेंटर के आप? सब चुचुड़ा। चुचुड़ा तो वहां से, वो तो चुचुड़ा से क्लास होती है, वहां पर पूछ लीजिएगा फोन करके, ठीक है? ठीक है। और हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर। दिसंबर में एग्जाम होगा क्या? दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, अगर परिस्थितियां सब सामान्य रही तो जरूर होगा। अभी तो सितंबर में एग्जाम हो रहा है, फाइनल सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का, सितंबर में ही हो रहा है, 17 सितंबर से शुरू है। तो असाइनमेंट ऑफलाइन करेंगे सर, तो लिखना तो पड़ेगा ना सर असाइनमेंट को? हर हालत में लिखना पड़ेगा आपको, चाहे आप सर ऑनलाइन जमा करेंगे। ऑनलाइन में सुविधा है आपको कि लिख कर जो है सेंटर तक नहीं आना पड़ रहा है, आपको उसी का फोटो का पीडीएफ बना कर भेज देते हैं आप लोग। उसके लिए तो लिंक बनाना पड़ेगा, लिंक होगा तब ना सर? वो सब बता देगा वो लोग, अभी साइबर कैफे में जाओगे खाली बोलोगे असाइनमेंट जमा करना है, वो लोग सब बता देंगे, वो लोग जानते हैं सर असाइनमेंट जमा कब सर? हाँ। सर असाइनमेंट कब तक जमा करना होगा, डेट कब है लास्ट डेट? हमने कहा ना कि जब एग्जाम दीजिएगा उसके 90 दिन पहले। ओके सर। जैसे मान लीजिए अगर किसी को जून में एग्जाम देना है तो 31 मार्च, ये कौन सा मंथ चल रहा है सर? सितंबर। सितंबर तो यानी कि जो दिसंबर में एग्जाम देंगे उसको 30 सितंबर तक। मतलब ये नॉर्मल है, अब जो COVID-19 के सिचुएशन में कभी कभी बहुत सारे डेट इधर उधर हो रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने बताया सामान्य तौर पर मैंने ऐसे ही नियम होता है। ठीक है सर। अब कभी कभी जो है विशेष परिस्थिति में वो लोग डेट का फेर बदल भी करते हैं, है ना? ठीक है सर। वो उन लोगों पर डिपेंड करता है। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, 8 तारीख को आपका मैसेज आया था। हेलो सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर। मैसेज आया था कि ये क्लास होगा सर, पिछले आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और उस दिन क्लास भी नहीं हुआ सर, क्या प्रॉब्लम हुआ था? बाद में अगर ऐसा होगा तो कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? कौन से तारीख को? सर 7 तारीख को मैसेज आया था और 1 तारीख को था क्लास 1 बजे, 101 का था, 3 बजे से था, 102 का, बट नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा माइक को पास लगा बोलिए। 7 तारीख को मैसेज आया सर, 8 तारीख को आया मैसेज आया था सर, 8 तारीख को आया था। क्या आया था? 8 तारीख को लिंक आया था सर क्लास करने के लिए सर, 2 क्लास आया था, लिंक आया था 101 102 सर, लेकिन कोई उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कोई क्लास नहीं हुआ सर। अच्छा 5 तारीख को, पिछले 5 तारीख को आप लोग क्यों नहीं क्लास किए पिछले सब सर? सर क्लास हुआ था सर। लिंक नहीं मिला था सर, किए थे सर हम लोग। क्या 5 तारीख को? नहीं सर, 8 तारीख को क्लास किए थे आप लोग?
नहीं सर, वो क्लास नहीं किए थे, नहीं हुआ था सर। टीचर्स डे के दिन, टीचर्स डे के दिन सर क्लास नहीं हुआ था सर, लिंक भी नहीं आया था उस दिन। मैं उस दिन मैं कम से कम 10-15 मिनट था लिंक पर। आप लोगों को ये लिंक देता कौन है? उस दिन 5 सितंबर को सर लिंक नहीं आया था। आज लिंक कहां से मिला? आज सर मैसेज आ रहा है, नॉर्मल मैसेज आता है सर। हां सर नॉर्मल आता है। हां सर ऐसे नॉर्मल मैसेज आता है सर। उस दिन मैसेज नहीं आता ना? नहीं सर उस दिन मैसेज नहीं आया था। अच्छा 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 सर 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 जिस दिन BHD 101 सर जिस दिन BHD 107 101 और 102 था उस दिन मैं 1 घंटा तक ट्राई की लेकिन हुआ नहीं। हाँ सर कोई ज्वाइन नहीं रहा था, बहुत देर तक मैं भी ऑन थी पर कोई ज्वाइन नहीं ले रहा था उस दिन। कितना तारीख? एक 12 बजे का क्लास था, एक 3 बजे का था, तो 12 बजे से लेकर मेरा 12 बजे और 3 बजे कभी क्लास नहीं था। आप लोगों के साथ हमेशा एक वैसे ही क्लास रहा है। हाँ तो मेरे साथ हमेशा एक वैसे ही रहा। 2 बजे तक ऑनलाइन थे, फिर उसके बाद फिर 3 बजे का था तो 2:30 बजे से थे पूरा 3:30 बजे तक। 8 तारीख को सर। 8 सितंबर सर। 8 सितंबर मतलब उस दिन तो मंगलवार था। यस सर। हम तो हमेशा शनिवार को क्लास लेते हैं। सर मैसेज तो उसी दिन का आया था। सर मैसेज उसी दिन का ही आया। मुझे मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मुझे, क्योंकि मेरा क्लास हमेशा शनिवार है। आप लोगों के साथ एक बजे से आप शनिवार का नंबर अगर पास हो गया ना हो इसलिए थोड़ा संपर्क हो जाता तो अच्छा होता। क्या बोलना सर? ऐसा ना हो फिर दोबारा, इसलिए आपसे अगर संपर्क करने के लिए सर आपका नंबर मिल जाता तो अच्छा। आपका नंबर है इसी पर दिया हुआ है तो आप क्या? सर कहाँ दिया हुआ है नंबर? तो इसी पर, इसी में तो दिया हुआ है। क्लास चला तो कोई ना कोई तो नंबर से ही हो रहा है। सर पिन कोड है सर और लिंक है और कुछ नहीं है सर, वो लैंडलाइन नंबर है सर। ये कर लेते हैं आपसे कुछ बात हो। ऐसे नंबर हम कैसे दे दे? अच्छा सर आपकी क्लास का हर सैटरडे ही होती है BHD 101 की? अभी मैंने हर सैटरडे में अभी पूरा सैटरडे क्लास। सर आपने कहा था एक बार तो ये बात ध्यान में था, फिर भी मैसेज देखकर मुझे लगा कि हाँ शायद होगा, तभी मैसेज आया है और आपसे संपर्क भी ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो सर हर बार मान लीजिए। हेलो सर, पूछना था सर। हेलो क्या पूछना? जल्दी पूछे। पूछना था सर अभी सर कोविड के सिचुएशन में सर कुछ सिलेबस परसेंटेज कम हुआ है सर क्या? सिलेबस 100 से 70% ऐसा कुछ हुआ है सर क्या, या कुछ सब्जेक्ट कम हुआ है? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हेलो सर, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। ICSE बोर्ड में हुआ है कम और सिलेबस, हम लोग यहाँ इग्नू में हुआ है कि नहीं अभी तक कोई जानकारी नहीं। नहीं सर इग्नू का सर पूछना था सर, कुछ कम हुआ कि नहीं वैसे थोड़ा इसके बारे में वही सब पता करना था। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ बोलिए। वो पूछ रहे थे असाइनमेंट आया है क्या? कहाँ पर आया? हेलो, मतलब कहाँ पर आया सर? मतलब निकला है क्या? 2 दिन पहले चेक किए थे तो नहीं आया था अभी। अब ये आप लोग ये साइट चेक करते रहिए, इग्नू का साइट, वहाँ पर ही देगा। अच्छा। वो लोग पर्सनली किसी को भेजेगा नहीं, वो लोग अपने साइट पर ही भेजेगा। ठीक है ठीक है। अच्छा क्लास बस यहीं तक। ओके सर, एक बात और पूछना है सर। क्या सर? हम लोग जो ई बुक डाउनलोड किए सर, एप्स डाउनलोड किए सर, उसमें 5F ऑप्शन आ रहा है तो सर उसमें कौन सा ऑप्शन करेंगे सर हम लोग? यस सर, उसमें डिप्लोमा है, बैचलर ऑफ डिग्री है सर, 5 कोई ऑप्शन आ रहा है सर, अदर है लास्ट में। आप लोग का बैचलर डिग्री है? बैचलर डिग्री सर। थैंक यू सर। यस सर, उसको बोलते हैं बीए को बैचलर डिग्री। यस सर, बैचलर डिग्री करके मान लीजिए डिप्लोमा होगा है ना, या सर्टिफिकेट कोर्स होगा, या मास्टर डिग्री होगा, या बैचलर डिग्री होगा। अब तो बैचलर पर मारिएगा तो क्लिक कीजिए। ओके सर।
थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेफ्ट में सब लेफ्ट कर लिया हमने। नमन 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 नमन